दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल HSC अवेयरनेस क्लास में। मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख के जो भी उससे फ़ायदा है फ़ायदा ले सकें। मेरा चैनल केवल एंड केवल अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग पर्पज के लिए है ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित और हेल्दी रख सकें। चलिए, समय ना गंवाते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। इस बार का जो मेरा टॉपिक है वो है 5S सिस्टम। 5S सिस्टम क्या होता है, कब इम्प्लीमेंट किया गया, कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया और 5S का मीनिंग क्या है, ठीक है, और 5S सिस्टम इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले 5S सिस्टम 60s के जमाने में, 60s के टाइम पे एक जैपनीज कंपनी है, ठीक है, टोयोटा ने इसको इम्प्लीमेंट किया। क्यों इम्प्लीमेंट किया, ताकि एक सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए। हाउसकीपिंग सिस्टम क्या है, 5S सिस्टम क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने वर्क इन्वायरमेंट को, वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए प्रॉपरली उसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इसको क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने इसको इम्प्लीमेंट किया। जो उसका जो आउटकम आया, जो उसमें निकल के आया, वो मतलब एक ही एकदम अचंभित करने वाला था। उसके बाद ये थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसको क्या है, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, अपने आप को इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 5S सिस्टम को। तो हम एक काम करते हैं, 5S सिस्टम को हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि 5S सिस्टम है क्या। तो पहला है नंबर 1, शॉर्ट, ठीक है, सेट इन ऑर्डर। तीसरा है साइन। चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, एंड पांचवा है सस्टेन। ये पांच है 5S सिस्टम। सबसे पहले इसको जैपनीज वर्ड में डाला गया था, सेरी, सेतु, सुकेत्सु, सस्टेन, ऐसे करके। लेकिन इसका बाद में, क्योंकि वो जैपनी लैंग्वेज था, तो बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो इंग्लिश में इसका नाम पड़ा सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। एक हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हम इसको ऐसे ना लिख के अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। हम इसको काम करते हैं, ऐसे गोला कर देते हैं 5S सिस्टम, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो एक S यहाँ पे, फर्स्ट S, सेकेंड S, थर्ड S, फोर्थ S एंड 5S, ठीक है। जिससे कि हो गया ये सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, ठीक है, ये साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन, ये पांचों हो गया। तो इसमें क्या है, अब वन बाय वन समझते हैं कि सॉर्ट क्या हुआ। तो सॉर्ट का मीनिंग हुआ छटनी करना। जो अगर सब चीज एक जगह पे है, घर में सब चीज एक जगह पे है, मान लीजिए सारे कपड़े अगर धुल के आए हैं एक साथ, तो हम क्या करते हैं, उसको छटाई करते हैं कि जींस को अलग, शर्ट को अलग, टी शर्ट को अलग, हर चीज को अलग 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 अलग, इसको अलग 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 हम छाट दिया। इसको हम क्या करते हैं, छटनी करना करते हैं, इसका छटाई कर दिया, एक चीज को अलग, दूसरे चीज को अलग, तीसरे चीज को, ऐसे हम सबको छाट दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर दैट मीन्स क्या हुआ, जो सबसे भारी चीज है उसको सबसे नीचे, उससे जो हल्का चीज है उससे ऊपर, उससे हल्का चीज है उससे ऊपर, ऐसे करके हम उसको एक ऑर्डर में उसको हम व्यवस्थित करते हैं, उसको रखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, फिर साइन, कोई ना कोई एक सिंबल,
कोई ना कोई लिखावट, जैसे मार्किंग कर देना बोला जाता है ना, मार्किंग करना कि ये चलिए ये क्या है, ये जींस है, ये क्या है शर्ट है, ये क्या है टी शर्ट है, वो ऐसे मार्किंग कर देते हैं कि ये चीज इसका मार्किंग है, उसको हम साइन लगा देते हैं कि ये चीज है, उसका मार्किंग करते हैं, इसका हम स्टैंडर्डाइज करते हैं कि कौन चीज को कितना रखना है, कहाँ कहाँ कितने लेवल तक रखना है, ठीक है। और सस्टेन मतलब उसको कंटिन्यूस हमको जारी रखना है, ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया अगले दिन छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। तो इस चीज को हम कंटिन्यू, एक साइकिल है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये साइकिल है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, दैट मींस ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो खत्म हो गया, नहीं ये हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है 1S, 2S, 3S, 4S, 1S drive, 2S drive, 3S drive, इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। कहीं भी आपको जहां प्रोडक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन होता है, वहां पे सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होता है ये, जहां आपका स्टोरेज होता है, जिस स्टोर में आप जो होता है वहां पे सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको लेता हूं, मान लीजिए आप कहीं किसी मॉल में गए, किसी बड़े मॉल में गए, वहां पे आप जाते हो तो क्या करते हो, ग्रोसरी का सिस्टम अलग है, क्लोथ का सिस्टम अलग है, ठीक है, ड्राई फ्रूट का है वो अलग है, हर चीज का अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, दैट मीन्स वो अलग अलग छटाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे निचला, सबसे एक एक वन बाय वन सारे चीज रखा रहता है कि ये सामान है, उसको मार्किंग किया हुआ रहता है कि इस, ये हमारा मान लीजिए कोई भी एक है, वो नीचे एक यहाँ पे है तो वहां पे वो मार्किंग लिखा रहता है कि ये सर्फ है या कोई भी एक्स वाई जेड जो भी है, उसके ऊपर तो रैक है उसमें भी लिखा रहेगा, फिर वो मार्किंग रखेगा। ये दूसरा हो गया सेट इन ऑर्डर, साइन क्या हुआ, मार्किंग है साइन, स्टैंडर्ड फिक्स मतलब जो आपने क्या किया, दो मटेरियल निकाला तो उसका जो स्टोर का आदमी रहेगा तुरंत क्या करेगा, दो मटेरियल लाके या तीन मटेरियल लाके फिर उसके साथ शाम को भरेगा, ताकि उसका जो स्टैंडर्ड है कि 10 मटेरियल रखना है, दैट मींस 10 मटेरियल रखना ही रखना है, उनका एक स्टैंडर्ड है और वो फिर एवरीडे उसको सस्टेन करते हैं, उसको जारी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो उसको खत्म कर दिया, नहीं वो कंटिन्यूस जारी रखते हैं। इसीलिए ये पूरे सिस्टम को बोला गया है इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, ये एक साइकिल है, वो साइकिल फिर अगेन एंड अगेन चलता रहता है। तो वर्क को स्मूथ बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं 5S सिस्टम, ठीक है। तो फिर मैं आपको अगेन, आपको थोड़ा सा याद रखिए इसको, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन, ये क्या है हमारा 5S सिस्टम है, ये तीनों मतलब ये पांच जो है ये 5S सिस्टम, इसी को बोला जाता है क्योंकि ये पांचों S से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है इसको 5S। 5S को हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि हाउसकीपिंग का एक बेस्ट तरीका है, हाउसकीपिंग मतलब कोई भी चीज को सही तरीके से सही जगह पे मेंटेन करके रखना, दैट इज हाउसकीपिंग। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।